और रायगढ़ के भगवानपुर कोतरा रोड में एक व्यक्ति से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल व्यक्ति बैंक में 2000 के नोट बदलवाने के लिए गया था। व्यक्ति का आरोप है कि इस दौरान बैंक पहुंचे एक व्यक्ति ने कैश बदलने के नाम पर उनके 3 लाख रुपए ले गए, लेकिन वापस नहीं लौटा। पीड़ित ने घटना की तहरीर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नोट बदलवाने के नाम पर यह धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। 2000 के नोट बदलने के बहाने ये धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित ने इस पूरे मामले में थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मामले की जांच कर रही है। तो 2000 का नोट जो करीब 3 लाख है ऐसा उसका कहना है, उसको लेके यूनियन बैंक पे आया था और उसको अपने खाते में डलवाऊंगा ऐसा करके वो पर्ची भरने के लिए गार्ड को बोला। वैसे ही एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है वो बोला कि मैं भर देता हूँ ऐसा करके, और वो भरने करके उसको सेव करना शुरू किया और बोला कि आप चेंज मत कराइए, मेरे पास 2500 का है। ऐसा करके वो 2 लाख रुपये निकाला और बोला कि ये 2 लाख मेरे पास है, 1 लाख कमी है, आप यहीं पर बैठो और मैं आता हूँ और फिर आपको आके मैं दे दूँगा। ऐसा करके उसके भी पैसे को रखा और वो चला गया। 10 मिनट आने के बाद देखा तो वो आदमी जो है वो न तो पैसा लाया ना कुछ भी किया। ऐसे करके बेईमानी पूर्वक जो है वो उक्त व्यक्ति जो है वो